Subscribe to the Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary and press the bell icon for the upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss the recent or newer approaches for the treatment of hypertension. तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम कौन कौन से नए तरीके, कौन कौन से नए टारगेट्स एरिया हम रिसर्च के थ्रू देख रहे हैं कि हम उसको हाइपरटेंशन से कोलेट कर सकें और हाइपरटेंशन को ठीक कर सकें उन रिसेंट थेरेपी के थ्रू. तो आज की वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं रिसेंट और न्यू अप्रोचेस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन. सो लेट्स स्टार्ट. सो इसके पहले वीडियो में हमने बात कर चुके हैं डिफरेंट ड्रग्स को जो ऑलरेडी हम मार्केट में यूज़ कर रहे हैं, चाहे बात करें अल्फा ब्लॉकर की, बीटा ब्लॉकर की, एस इनहिबिटर की, एआरबी की, या फिर डायुरेटिक्स या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की. तो उसके अलावा भी बहुत सारे और रिसेंट एरिया होंगे या हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं, या हम आज के डेट पे जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उस पे वो लगे हुए हैं कि अब हम कुछ नए ड्रग ला सकें एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट के लिए. क्योंकि हाइपरटेंशन इज़ द मोस्ट साइलेंट और डेंजरस ऑर्डर विच में अफेक्ट द सेवरल ऑर्गन्स अपार्ट फ्रॉम द हार्ट. तो हार्ट के अलावा ही बहुत सारे और ऑर्गन्स हो, चाहे वो आपके ब्रेन को या फिर आपके आई को, किडनी को भी अफेक्ट करता है. इसलिए एक तरह से साइलेंट किलर है आपका हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन क्रोनिक वे पे आपको हुआ है तो कहीं ना कहीं आपके बॉडी के अदर ऑर्गन्स भी अफेक्ट होंगे और आपके लिए डेंजर हो सकता है. तो इसलिए जो रिसेंट एरियाज हैं या रिसेंट टारगेट्स हैं उस पर काम चल रहा है अंडर द ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल पे या प्री क्लिनिकल स्टडीज पे काम कर रहे हैं. तो बेसिकली इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस द वेरियस रिसेंट ट्रेंड्स. तो बेसिकली बात करें हम ट्रेंड्स की तो उसमें हम डिवाइड किए हैं तीन तरीके से. तो फर्स्ट है आपका ड्रग बेस्ड थेरेपी, मतलब हम कोई ड्रग मॉलिक्यूल्स डिस्कवर कर रहे हैं या नोवेल ड्रग मॉलिक्यूल्स हम देख रहे हैं कि वो हम एज ए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के रूप में यूज़ कर सकें. सेकेंड है आपका न्यूअर अप्रोचेस लाइक जीन थेरेपी और वैक्सीन थेरेपी. तो जीन थेरेपी और वैक्सीन थेरेपी भी उसमें भी काम चल रहा है कि हम कैसे जीन थेरेपी को यूज़ करके या फिर वैक्सीन थेरेपी को यूज़ करके हम उस एंटी हाइपरटेंसिव के रूप में यूज़ कर सकें या फिर हाइपरटेंशन को कम कर सकें आपके बॉडी के अंदर में. और उसके अलावा है डिवाइस बेस्ड थेरेपी, मतलब ऐसे डिवाइस जो कि हम अपने बॉडी में यूज़ करके हम हाइपरटेंशन को ठीक कर सकें, तो उसको हम डिवाइस बेस्ड थेरेपी भी बोल सकते हैं. तो चलिए वन बाय वन हम टॉपिक को देखते हैं. तो बात करें फर्स्ट हम न्यू टारगेट्स एंड ड्रग्स, मीन्स हम कौन कौन से नए ड्रग, कौन कौन से नए टारगेट को देख रहे हैं, उसमें रिसर्च में हम काम चल रहा है कि हम उसको टारगेट करके एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ले सकें. तो पहला होता है आपका, पहला हम बात करेंगे आरएएस या रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम मॉडुलेटर्स. तो ऐसे ड्रग जो कि आर सिस्टम को इनहिबिट कर करे और हमको एज एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट मिले उसको हम देख रहे हैं. तो बेसिकली अभी जो चल रहा है मार्केट में वो है केवल आपका एस इनहिबिटर और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर. उसके अलावा भी बहुत सारे हमने जब पढ़े थे आरएएस सिस्टम पढ़े थे डिटेल में, तो उसमें हम बात कर चुके हैं कि किस तरीके से आरएएस सिस्टम को और इन्वॉल्व या और उसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं इन फ्यूचर. तो बात करें पहला है आपका रेनिन इनहिबिटर जो कि एलिस्क्रीन है. तो हम रेनिन को इनहिबिट कर दें तो कहीं ना कहीं जो आरएएस सिस्टम है वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाएगा, उससे आपका हाइपरटेंसिव इफेक्ट नहीं मिलेगा. तो हम एलिस्क्रीन को भी एज ए ड्रग टारगेट के रूप में यूज़ कर सकते हैं एज ए डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर. बात करें सेकेंड है आपका पीआरआर ब्लॉकर, मीन्स प्रो रेनिन रिसेप्टर ब्लॉकर. तो बेसिकली जो जैसे कि हम देखे थे आर एस सिस्टम में जो प्रोरेनिन है और रेनिन है दोनों ही कहीं ना कहीं प्रोरेनिन रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, उससे आपकी बॉडी के अंदर में वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, हाइपरप्लेसिया, हाइपरट्रॉफी, आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ये सब कंडीशन जो है बढ़ते जाते हैं. तो कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को मीन्स उस रिसेप्टर को मीन्स पी आर आर रिसेप्टर को हम ब्लॉक करें तो कहीं ना कहीं हमको एज इंटरपटेंसिव मिलेगा. उस पर जो ड्रग है उस पर वो ड्रग है आपका हैंडल रिजन पेप्टाइड एचआरपी जिसको है जो अंडर ट्रायल है हम उसमें काम कर रहे हैं. इसके अलावा जो पी आर आर है जैसे कि हम बात कर चुके हैं जो आर एस सिस्टम है वो लोकल आर एस सिस्टम भी होता है, मीन्स आपके कार्डियोरिनल सिस्टम के अलावा भी बहुत सारे और ऑर्गन्स में अफेक्ट होता है उसका. जैसे कि बात करें आई की तो आई पे हमने काम किया है तो हम जानते हैं कि आई पे बेसिकली आपका जो हैंडल रिजन पेप्टाइड्स हैं उस पर काम चल रहा है. तो वो बेसिकली आपका आई के अंदर में जो भी डायबिटिक रेटिनोपैथी है या रेटिनोपैथी है ग्लूकोमा में है उसके लिए काम चल रहा है, उसको ये कम कर रहा है. साथ साथ ही आपका जो कार्डियक रिमॉडलिंग है उसको भी प्रिवेंट करता है, मीन्स इट प्रिवेंट्स द कार्डियक रिमॉडलिंग. मीन्स बात करें कार्डियक हाइपरट्रॉफी की या कार्डियक डैमेज की तो उसको भी ये ठीक करता है. उसके अलावा हम देखा था एंजियोटेंसिन 1-7 एंड मास रिसेप्टर. कहीं ना कहीं जो आपका एंजियोटेंसिन 1 है वो एस एंजाइम टाइप टू के प्रेजेंस में आपका एंजियोटेंसिन 1-9 बनता है और फिर वो फर्दर एस एंजाइम के थ्रू एंजियोटेंसिन 1-7 बनता है, या फिर जो एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 है वो डायरेक्टली एस 2 के प्रेजेंस में आपका एंजियोटेंसिन 1-7 बनता है. तो बेसिकली एंजियोटेंसिन 1-7 आपके मास रिसेप्टर पे काम करता है, उसको एक्ट करता है, और जो भी हार्मफुल इफेक्ट है एंजियोटेंसिन 2 के उसके अपोजिट में मतलब वैसोडायलेशन, एंटी प्रोलिफरेटिव, आपका
एंटी एंजियोजेनिक या फिर एंटी इंफ्लेमेटरी के रूप में यूज़ होता है। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा इफेक्ट होता है आपका मास रिसेप्टर का, तो उसके थ्रू हम काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो आपका ACE2 एक्टिवेटर DIZD जो अंडर ट्रायल चल रहा है, तो ये भी है क्योंकि कहीं ना कहीं ACE2 एंजाइम ही मेनली रिस्पॉन्सिबल है आपके प्रोडक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन 1-7 के लिए, तो उस पर भी हम काम चल रहे हैं। तो ये कुछ नए टारगेट्स एरिया हैं। उसके अलावा है आपका 82R एगोनिस्ट। तो कहीं ना कहीं हम देख चुके हैं कि 82R एगोनिस्ट जो है, 82R रिसेप्टर है, वो अगेंस्ट है आपका ATM रिसेप्टर के। तो बेसिकली ATM रिसेप्टर्स मेनली हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, मीन्स दे प्रोड्यूस हाइपरटेंसिव इफेक्ट बाय द वैसोकंस्ट्रिक्शन, बाय द सिंथेटिक एक्टिविटी एंड बाय द एल्डोस्टेरोन रिलीज। तो उस तरीके से उसको भी कम करता है आपके इफेक्ट को 82R। सो दीज आर द बेसिक टारगेट्स एरिया फॉर द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। नाउ कम टू द वैसोपेप्टाइडेज इनहिबिटर। तो बात करें हम वैसोपेप्टाइडेज इनहिबिटर की, तो कहीं ना कहीं जो वैसोपेप्टाइडेज है वो एक तरीके से एंजाइम है फॉर द वैसोपेप्टाइड। जितने भी वैसोपेप्टाइड्स हैं उसका मेटाबॉलिज्म के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा आपका वैसोपेप्टाइडेज। तो कहीं ना कहीं बात करें आपके एंडोजेनियस कंपाउंड की, तो है आपका नेप्रिलाइसिन। तो नेप्रिलाइसिन इज द न्यूट्रल एंडोजेनियस वैसोपेप्टाइडेज एंजाइम। तो कहीं ना कहीं जो नेप्रिलाइसिन है उसका मेन काम क्या होगा, मेटाबॉलिज्म ऑफ वैसोपेप्टाइड्स, लाइक इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ NPs। NPs मींस नेट्रिरेटिक पेप्टाइड्स, जो कि होता है आपका ANP मींस आर्टेरियल नेट्रिरेटिक पेप्टाइड। उसके अलावा आपका BNP CNP भी होता है, ब्रेन ड्राइव्ड और कार्डियक नेट्रिरेटिक पेप्टाइड भी होते हैं, जो कि एक तरीके से आपका अच्छा इफेक्ट देते हैं बॉडी के अंदर में, मींस आपका वैसोडायलेशन इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, जो बात करेंगे डिटेल में आगे। तो इसके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, साथ साथ जो है आपका इट आल्सो इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ एंजियोटेंसिन 2 एंड एंडोथेलिन। यानी कि इसके दो लेसन है, कहीं कहीं ये जो चीज़ें हैं उसके वो अच्छी हैं, इन चीज़ों के कारण जो है आपके बॉडी के अंदर में BP बढ़ता है, तो इसको ही मेटाबॉलाइज करता है, जो कि अच्छा बात है। लेकिन इसको भी मेटाबॉलाइज करता है, जो कि NP का जो मेन रोल है वो एज ए एंटीहाइपरटेंसिव के ड्रग में यूज़ होता है, इसलिए इसके लिए वो हानिकारक है। तो कहीं ना कहीं हम इसकी अगर बात करें रसिन इनहिबिटर की, तो बात कर रहे हैं हम ड्रग की, तो नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर जो ड्रग है आपका, वो है आपका LCZ696। तो कहीं ना कहीं ये जो LCZ696 है, इट हैज़ ए डुअल एक्शन, लाइक इट also increase the viability of ANP and also decrease the or block the AT1 receptor, क्योंकि आपका जो LCZ696 है जो under trial है वो basically आपका valsartan और sacubitril के combination से बना हुआ है। basically valsartan is the ARB angiotensin receptor blocker and sacubitril is the neprilysin inhibitor। तो कहीं ना कहीं हम उसको use करके as a antihypertensive drug के रूप में use कर रहे हैं या कर रहे हैं। और बात करें हम, तो थर्ड है आपका ANP मींस एट्रियल नेट्रिरेटिक पेप्टाइड्स। तो बेसिकली जो ANP है वो कहीं ना कहीं ANP रिसेप्टर्स, जो कि एक तरीके से एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स है, जिसमें आपका गोनाइल साइक्लेस एंजाइम प्रेजेंट होता है, और उसको एक्टिवेट करने की वजह से आपका जो साइक्लिक GMP पाथवे है वो इंक्रीज होगा, उससे आपका वैसोडायलेशन इफेक्ट मिलेगा। तो बेसिकली जो NPs हैं या ANP है वो बेसिकली आपका नेट्रिरेसिस विस्टलेशन एंड इनहिबिशन ऑफ RAAS सिस्टम को इनहिबिट करता है, उससे हमको एंटीहाइपरटेंसिव इफेक्ट मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये भी हमने देखा था इसमें, तो ANP को बढ़ाता है, तो ये मेन इफेक्ट होता है आपके ANP का। कहीं ना कहीं जो ANP रिसेप्टर एगोनिस्ट हैं, जो बात करें PL3994, तो दिस इज द एगोनिस्ट विच इज अंडर क्लिनिकल ट्रायल एंड इट एक्टिवेट्स द ANP रिसेप्टर्स। तो कहीं ना कहीं जो ANP रिसेप्टर एगोनिस्ट हैं उसको भी हम एज ए एंटीहाइपरटेंसिव ड्रग के रूप में यूज़ कर सकते हैं इन फ्यूचर, या उस पर काम चल रहा है अभी। बात करें नेक्स्ट है आपका ET1 रिसेप्टर ब्लॉकर। तो बेसिकली हम जान चुके हैं कि जो ET1 रिसेप्टर्स है, हमने देखा था बेसिक फिजियोलॉजी के अंदर में, कि जो ET1 रिसेप्टर्स है वो आपका GQPCR है, और उसके थ्रू वो वैसोकंस्ट्रिक्शन इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि बात करें एंडोथेलियल सेल्स में जो आपका वेन कंटेंट है उसमें दो होते हैं, एक होता है आपका EDRF मींस एंडोथेलियल रिलैक्सिंग इंडोथेलियल डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर, जो होता है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड। उसके अलावा उसमें भी प्रेजेंट होता है आपका इंडोथेलिन। तो बेसिकली वो क्या है आपका इंडोथेलियल डिराइव्ड कॉन्ट्रैक्टिंग फैक्टर है, कहीं ना कहीं EDCF है, और कहीं ना कहीं जो इंडोथेलिन कंपाउंड है वो कहीं ना कहीं इंडोथेलिन रिसेप्टर्स पे बाइंड होता है, और उसको एक्टिवेट करके आपको वैसोकंस्ट्रिक्शन इफेक्ट मिलेगा और BP को बढ़ा सकता है। तो कहीं ना कहीं उसका हम ब्लॉकर यूज़ करेंगे तो एज एंटीहाइपरटेंसिव इफेक्ट हमको मिलेगा। तो जो ड्रग है उस पर आपका बोसेंटान एंड एम्ब्रिसेंटान आर द ड्रग विच आर अंडर ट्रायल। उसमें का ट्रायल चल रहा है, उसमें क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है कि उसमें इफेक्ट क्या दे रहे हैं, तो हम उसमें अभी काम कर रहे हैं। तो ये है आपका ATM रिसेप्टर ब्लॉकर। नेक्स्ट है आपका इंडोथेलिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। जैसे कि ACE इनहिबिटर है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, वैसे ही इंडोथेलिन कन्वर्टिंग एंजाइम भी होते हैं बॉडी के अंदर में, जो कि इंडोथेलिन को बनाते हैं, रिस्पॉन्सिबल है बनाने के लिए, फॉर्मेशन के लिए। तो कहीं ना कहीं उस एंजाइम को हम ब्लॉक कर दें तो कहीं ना कहीं आपको एज ए इंडोथेलिन का इफेक्ट है वो कम मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो बात करें ड्रग की, तो ड्रग है उसमें डेग्लुट्रिल। डेग्लुट्रिल इज ए ड्रग विच
has a dual action. It decreases the endothelin production by the inhibition of this enzyme, means endothelin converting enzyme, and also it inhibit the neprilysin. तो कहने के ये neprilysin inhibitor भी है और आपका endothelin converting enzyme inhibitor भी है, तो एक तरीके से benefit effect मिलेगा हमको. नेक्स्ट बात करें वो है आपका एलेस्ट्रॉन रिसेप्टर ब्लॉकर, जिसको हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर ब्लॉकर भी बोल सकते हैं. तो उसमें जो ड्रग हैं स्पाइन इलेक्ट्रॉन जो हम पढ़ते हैं वो, इसके अलावा आपका पोटेशियम साइन डायरेटिक है, उसके अलावा आपका एप्लेरेनॉन और फिनरेनॉन कुछ ड्रग हैं जो कि इसमें काम चल रहा है, जो कि एक तरीके से मिनरलोकॉर्टिकॉइड ब्लॉकर हैं. और कहीं ना कहीं जो आर सिस्टम की एक्टिविटी जो हम देखा था सोडियम रिटेंशन वाटर, तो उसको कम करता है. तो कहीं ना कहीं आपके बॉडी के अंदर में वॉल्यूम ओवरलोड कम होगा, उससे हमको एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट मिल सकता है. सिमिलरली जो हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट ड्रग की, वो है निमोडिपिन. तो निमोडिपिन बेसिकली न्यू ड्रग है. निमोडिपिन बेसिकली आपका डाइहाइड्रोपिडिन्स कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, जिसमें हम बात करते हैं निफेडिपिन एम्लोडिपिन, तो उसी क्लास का ड्रग है निमोडिपिन. तो निमोडिपिन हैज आल्सो डुअल एक्शन, इट ब्लॉक द कैल्शियम चैनल एंड इट आल्सो ब्लॉक द मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स. कहीं ना कहीं ये दो तरीके से काम करता है. उसके अलावा नेक्स्ट है आपका एल्डोस्टेरोन सिंथेसिस इनहिबिटर या एल्डोस्टेरोन सिंथेस एंजाइम इनहिबिटर. तो कहीं ना कहीं उससे क्या होगा, जो आपका एल्डोस्टेरोन का सिंथेसिस है वो कम होगा, एल्डोस्टेरोन रिलीज कम होगा, और उससे आपका जो एल्डोस्टेरोन का इफेक्ट है बॉडी के अंदर में हाइपरटेंसिव इफेक्ट है, मींस वॉल्यूम ओवरलोड इफेक्ट है, जो कि सोडियम और वाटर को रिटेंशन करता है, रीअब्सॉर्प्शन करता है, वो कम होगा. तो उसमें ड्रग है आपका LCI-699 एंड फेड्रोजोल. तो LCI-699 जो अंडर क्लिनिकल ट्रायल है उस पर काम चल रहा है. नेक्स्ट बात करें तो है आपका, तो ये कुछ ड्रग हैं जिसमें हम देख चुके हैं या हम फ्यूचर में काम करेंगे. उसके अलावा हम बात करेंगे जीन बेस्ड थेरेपी की. तो अगर हम बात करें जीन बेस्ड थेरेपी की, तो कहीं ना कहीं इसमें जीन इन्वॉल्व होगा. तो कहीं ना कहीं हम बात करें जीन थेरेपी की, तो जीन थेरेपी दो तरह से करते हैं. एक या तो हम एंटीसेंस जीन डालते हैं या फिर जीन डालते हैं. तो बेसिकली बात करें हाइपरटेंशन की, तो ऐसे जीन जो कि हाइपरटेंशन इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा उसके अगेंस्ट में हम एंटीसेंस जीन आपके बॉडी के अंदर में इंसर्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल आपका जो एंटीसेंस जीन फॉर द एस एंजाइम N81 रिसेप्टर, तो क्योंकि एस एंजाइम के थ्रू एंजियोटेंसिन 2 बनता है और एंजियोटेंसिन 2 कहीं कहीं 81 रिसेप्टर पे बाइंड करता है और अपना हाइपरटेंसिव इफेक्ट शो करता है, तो उसके अगेंस्ट में हम अगर एंटीसेंस जीन जो उस इसके जो जीन है एक्सप्रेशन को कम करे, तो कहने के हमको ऐसे एंटीहाइपरटेंसिव ड्रग मिलेगा. और सेकंड टाइप है हम ऐसे जीन आपके बॉडी के अंदर में डिलीवर करें जो कि आपके बॉडी के अंदर में जाके ऐसे प्रोडक्शन करे जो कि आपका एक तरह से वेसोलेक्सेंट या एंटीहाइपरटेंसिव इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो. जैसे कि बात करें हम नाइट्रिक ऑक्साइड की, तो नाइट्रिक ऑक्साइड एक तरीके से क्या है, वेसोडाइलेटर है. तो कहने के हम ऐसे जीन प्रोड्यूस करें बॉडी के अंदर में डिलीवर करें जो कि इनोस मीन्स इंडोथेलियल नोस एंजाइम को प्रोडक्शन को बढ़ा दे, उससे आपका नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल भी बढ़ जाएगा. तो ऐसे जीन को हम डिलीवर करें तो एक तरीके से वो भी आपके लिए बेनिफिट होगा. उसके अलावा जो है आपका S2 जो एस टाइप 2 एंजाइम है या फिर 82 रिसेप्टर्स है वो भी हमारे लिए बेनिफिट है, तो उसके जीन्स को हम बॉडी के अंदर डिलीवर करें ताकि इसका प्रोडक्शन जो एक्सप्रेशन है वो बढ़ जाए और हमको एज ए एंटीहाइपरटेंसिव इफेक्ट मिले. तो ये तरीके हैं आपके जीन बेस्ड थेरेपी का जो अभी अंडर ट्रायल चल रहे हैं. उसके अलावा हम बात करेंगे वैक्सीन थेरेपी की, मतलब ऐसे वैक्सीन जो कि आपके वैसे कॉन्स्ट्रक्टर मॉलिक्यूल्स हैं उसके अगेंस्ट में काम करे. फॉर एग्जांपल PMO-3117 इट एक्ट्स अगेंस्ट एंजियोटेंसिन 2, और बात करें CYT-006 तो ये भी आपके एंजियोटेंसिन 2 के अगेंस्ट में काम करता है. और हमारे जो एंजियोटेंसिन 2 बेसिकली बहुत ही वैसे कॉन्स्ट्रक्टर मॉलिक्यूल है, तो ये उसके एक्शन को कम करेगा, मीन्स आपको एंटीहाइपरटेंसिव इफेक्ट मिलेगा. सो दिस आर सम वैक्सीन्स विच आर यूज्ड एज एंटीहाइपरटेंसिव थेरेपी. नाउ कम टू द डिवाइस बेस्ड थेरेपी, मीन्स ऐसे डिवाइस हमारे बॉडी के अंदर इंसर्ट करेंगे जो कि हमारे बीपी को कम करेगा. तो ऐसे हम डिवाइस को ऐसे एंटीहाइपरटेंसिव थेरेपी के रूप में यूज़ करेंगे इन फ्यूचर करते हैं. तो बस बात करें कुछ डिवाइस की, तो पहला है आपका रीनल सिंपथेटिक डिनर्वेशन. तो इस केस में क्या करेंगे, जो सिंपथेटिक नर्व है जो कि रीनल के थ्रू गया है या रीनल सिस्टम पे इफेक्ट कर रहा है, तो बेसिकली जो सिंपथेटिक नर्व है वो कहीं ना कहीं आपके बॉडी के अंदर में हाइपरटेंशन प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो कहीं ना कहीं उसको डीनर्वाइजेशन करें, मतलब उसकी एक्टिविटी को कम करें, तो एक तरीके से हमारे लिए बेनिफिट होगा एज एंटीहाइपरटेंसिव ड्रग. तो फर्स्ट आपका रीनल सिंपथेटिक डिनर्वेशन. तो इसमें हम क्या करते हैं, जो रीनल आर्टरी जो रीनल वेंस हैं या सॉरी रीनल नर्व है आपका सिंथेटिक नर्व है उसकी जो एक्टिविटी को हम कम करते हैं, उसका हम डिनर्वेशन करते हैं. सेकंड है आपका बेरो रिफ्लेक्स एक्टिवेटर. तो कहने के जो बेरो रिफ्लेक्स सिस्टम है वो कहने के बीपी को कंट्रोल करता है, बीपी को रेगुलेट करता है. अगर बीपी हाई हो गया तो कम करता है, कम होता तो हाई करता है. तो इस तरीके से बेरो रिसेप्टर का जो आपका फंक्शन है अगर कम हो जाए तो कहीं ना कहीं हम उसको
एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं बाय द इलेक्ट्रोड। हम इलेक्ट्रोड प्लेस करते हैं आपके कैरोटिड आर्टरी के आसपास ताकि बेरोसिप्टर की एक्टिविटी को बढ़ सके, उसको सेंस करके वो अपना रिफ्लेक्सेशन दे सके। सेट है नेक्स्ट आपका आर्टेरियो विनस फेस्टुला। इसमें जो आपका इलेक आर्टरीज या वेंस है उसकी हम डायरेक्शन प्रोड्यूस करेंगे ताकि आपका ऑक्सीजन डिमांड कम हो, आपके आपका जो सर्कुलेशन है बॉडी के अंदर में वो बेहतर हो सके और उससे हमको एक तरीके से जो हाइपरटेंशन इफेक्ट है वो कम होगा। तो ये कुछ डिवाइसेस हैं जो कि हम ऐसे यूज़ करते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के रूप में। तो इसके अलावा भी बहुत सारे और ड्रग या आपके थेरेपी चल रहे हैं आपके रिसर्च में, जो कि आपके एक क्लास में या एक लेक्चर में सबको एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं डिटेल में पढ़ना, डिटेल में आप चाहते हैं कि हम एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी में क्या क्या काम कर रहे हैं इन फ्यूचर, क्या काम करेंगे, तो उसके बारे में डिटेल चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक दिया हुआ है किसी एक आर्टिकल का जो कि रिव्यू आर्टिकल है, उस आर्टिकल से ही हमने ये सारी चीज़ें लिया है। तो कहीं ना कहीं उसको आर्टिकल को पढ़िए ताकि आप समझ जाएंगे कि हम और क्या क्या काम कर रहे हैं इन फ्यूचर हाइपरटेंशन थेरेपी के केस में। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स ऑफ रिसेंट ट्रेंड्स और न्यूअर अप्रोचेस फॉर द हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट। एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज फॉर द शेयरिंग ऑफ नॉलेज। एंड इफ यू वॉन्ट टू नोट प्लीज टेक एन स्क्रीन शॉट। एंड इन लास्ट थैंक यू। एंड इन माई अपकमिंग क्लास आई विल डिस्कस द अदर थिंग्स ऑफ हाइपरटेंशन। सो थैंक यू।